नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं बोया M1 माइक का। जी हां दोस्तों, जो कि सभी यूट्यूबर यूज करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुझे इस माइक को खरीदने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मैं अपनी वीडियो के वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जो मेरी पहले की वीडियो थी दोस्तों, मैं उसमें जो है एक एयरफोन माइक का इस्तेमाल करता था, जिससे कि आप मेरी ये आवाज़ सुन रहे हैं ये केवल एक एयरफोन माइक से रिकॉर्ड की गई आवाज़ है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये माइक काफ़ी बेस्ट होती है यूट्यूबर के लिए और वीडियो बनाने वाले लोगों के लिए। और आप भी यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो इस माइक का काफ़ी ज़्यादा रिव्यू और अनबॉक्सिंग वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों मेरी आने वाली अगली वीडियो में आप इसी माइक से रिकॉर्ड की गई मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी ये अनबॉक्सिंग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी बोया का M1 माइक खरीदना चाहते हैं अपने वीडियो के लिए, तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से बोया का M1 माइक परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं बोया M1 माइक का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने इस पैकेट को परचेज किया है ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से। तो मुझे इसमें जो है बोया का M1 माइक मिला हुआ है। इसमें एक डब्बा है जिसमें आपको बोया का M1 माइक मिल जाएगा। तो प्लास्टिक के पैकेट में पैक होकर मेरे पास आया था फ्लिपकार्ट से। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन करके आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह पैकेट है फ्लिपकार्ट का, जिसके अंदर बोया का M1 माइक का बॉक्स है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं जल्दी से। तो ये दोस्तों मेरा जो है अनबॉक्सिंग चाकू है, मैं इससे जो है इसको ओपन करूंगा और आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखा दूंगा। तो चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को। तो दोस्तों फाइनली आप मेरे हाथों में देख सकते हैं बोया M1 माइक के बॉक्स को। जी हाँ दोस्तों, इसको मैंने फ्लिपकार्ट के डब्बे से निकाल कर अपने हाथों में ले रखा है। तो इस बॉक्स की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मुझे मिला है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में मुझे मिला है। न कहीं से दबा हुआ है, न कहीं से पिचका हुआ है। तो मतलब दोस्तों फ्लिपकार्ट अपनी सर्विस को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर चुका है। तो दोस्तों इस डब्बे के ऊपर जो जो प्रिंट है, मैं आपको इसको डिटेल्स में दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों इस माइक को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इस माइक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए इस डब्बे के ऊपर जो जो प्रिंट है मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। तो दोस्तों बोया M1 माइक के बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के सबसे ऊपर आपको बोया का लोगो देखने को मिल जाएगा और जो जो फीचर आपको इस माइक में मिलेगा यहां पे हाईलाइट किया गया है। आप यहां पे देख सकते हैं लेवेलियर माइक्रोफोन, माइक्रो क्रेवेट, और यहां पे आपको एक माइक्रोफोन का जो बोया का माइक्रोफोन होता है उसका जो है फिगर भी आपको यहां पे दिया गया है। तो कुछ इस तरह से माइक इस बॉक्स में होगी। और दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं सुपर साउंड क्वालिटी फॉर प्रेजेंटेशन एंड वीडियो रिकॉर्डिंग बाई M1। दोस्तों इस तरह से आप बॉक्स के फ्रंट पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों बॉक्स के साइड की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर स्मार्टफोन कैमकॉर्डर DSLR ऑडियो रिकॉर्डर PC ETC, मतलब आप इन सारे चीज़ों में इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे बाई M1 लिखा गया है और यहाँ पे आपको बोया का एक लोगो फिर से देखने को मिल जाएगा, प्रो ऑडियो सीरीज। तो दोस्तों बॉक्स के पीछे की बात करें तो आपको यहाँ पे जो जो फीचर इसमें मिलेगा, यहाँ पे फीचर हाईलाइट किया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लिप ऑन माइक स्मार्टफोन DSLR कैमकॉर्डर ऑडियो रिकॉर्डर PC ETC ओमनी डायरेक्शनल कंडेंसर माइक्रोफोन हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडियल फॉर वीडियो यूज लो हैंडलिंग नॉइज इंक्लूड लेपल क्लिप LR44 बैटरी फॉर्म इंड स्क्रीन 1/4 इंच एडाप्टर। तो दोस्तों इसमें आपको ये सारे फीचर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस डब्बे के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन इस माइक के अंदर की आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बॉक्स के ऊपर की और पीछे की बात है। तो दोस्तों मैंने आपको बॉक्स के बारे में दिखा दिया, मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको इसको जल्दी से दिखा देता हूँ कि इसमें आपको माइक के साथ क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो चलिए इसको जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा बोया M1 माइक का यूजर मैनुअल। तो इसको आप रीड कर सकते हैं अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं। अगर आपको यूज करने में दिक्कत आ रही है तो इसको आप रीड कर सकते हैं। मैं इसको साइड पर रख देता हूं और यहां पे आपको एक जो है एक वारंटी कार्ड मिल जाएगा। तो आप इसमें जो है इसका वारंटी कार्ड भी इसको मैं साइड में रख देता हूँ। तो ये दोस्तों रहा बोया M1 माइक का जो है पैकिंग, जिसमें आपको जो बोया M1 माइक रखा हुआ मिल जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें जो है मेरा बोया का M1 माइक जो है मिला है मुझे। तो इसका जो है वायर आप देख सकते हैं कि वायर क्वालिटी इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा दिया गया है। तो मैं इसको जो है बाद में आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको और चीज़ें दिखा देता हूँ कि इसमें हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो दोस्तों ये जो है फोम मिल जाता है जो कि माइक पे आप लगाकर जो है नॉइज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 1/4 इंच का जो है एडाप्टर मिल जाता है, जिससे आप जो है एम्पलीफायर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक क्लिप मिल जाती है, जिसका यूज करके आप बोया M1 माइक को जो है अपने कॉलर में लगाकर अच्छी क्वालिटी का जो है वॉयस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें एक पैक में मुझे मिली थी। और दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे एक LR44 बैटरी मिल जाएगी, जिसका यूज करके आप अपने बोया M1 माइक को जो है DSLR में भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बोया के M1 माइक की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है माइक्रोफोन है, जिसकी थ्रू आपकी आवाज़ यहाँ पे रिकॉर्ड करेगा बोया M1 माइक। और यहाँ पे दोस्तों इसकी वायर जो है काफ़ी अच्छी मिलती है, यहाँ पे आपको 20 फीट की वायर मिल जाती है बोया M1 माइक में।
और दोस्तों आपको यहाँ पे एक जो है ये अडाप्टर मिल जाता है जिसमें आप बैटरी को लगाकर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैमरा ऑन ऑफ का भी आपको फीचर मिल जाता है। मैं आपको थोड़ा क्लियर दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैमरा ऑन ऑफ करने का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे आपको बोया का लोगो ऊपर मिल जाता है। तो ये दोस्तों काफ़ी अच्छा अडाप्टर है, इसमें आप जो है बैटरी को लगाकर, जो बैटरी मैंने आपको दिखाया था इसमें बैटरी इनबिल्ट करके आप इसको DSLR के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको कैमरा के साथ यूज करना है तो आप ऊपर कर देंगे तो कैमरा का वॉइस रिकॉर्ड करने लगेगा, अगर आपको इसको स्मार्टफोन के साथ यूज करना है तो आप इसको नीचे कर देंगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा फीचर इसमें मिलता है जिसकी मदद से आप जो है इसको कैमरा और स्मार्टफोन दोनों में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतने कम प्राइस में आपको बोया एम1 माइक की जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसकी जो लीड है 3.5 mm की, ये काफ़ी अच्छी लीड मिल जाती है, काफ़ी मजबूत है इसका जो है, आप काफ़ी ब्रांडेड एयरफोन में ही ऐसी लीड आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों काफ़ी लॉन्ग वायर है, काफ़ी अच्छी लीड है और यहाँ पर काफ़ी अच्छा इसका जो है अडाप्टर दिया गया है जिसकी मदद से आप जो है इसमें मोड को चेंज कर सकते हैं, कैमरा और स्मार्टफोन दोनों की वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं इसको ऑन ऑफ करके। और दोस्तों यहाँ पे इसको ओपन करके इसमें जो है बैटरी लगाने का ऑप्शन है, तो चलिए इसको ओपन करके आपको बैटरी लगा कर दिखा देते हैं। तो दोस्तों बोया एम1 माइक के अडाप्टर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे LR44 बैटरी को लगा देना, तो चलिए बैटरी को लगा देते हैं। तो दोस्तों बैटरी लगाने के बाद अब आपको बोया एम1 माइक के अडाप्टर को फिर इससे बंद कर देना इसके कैप से। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो बोया एम1 माइक का अडाप्टर है आपको देखने में जो है प्लास्टिक का लगेगा, लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं है, मेटल का है। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको इतने कम प्राइस में जो है ये माइक दिया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप बोया एम1 माइक को जो है परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा इसका जो है अडाप्टर जिसमें मैंने बैटरी को लगा दिया। तो दोस्तों अब हम बोया एम1 माइक के माइक्रोफोन के साथ विंड स्क्रीन फॉर्म को लगाएंगे जिसकी मदद से आप अपने बैकग्राउंड की नॉइज़ को जो है कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको चलिए लगा देते हैं और इसके यूज़ से दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जो आपके बैकग्राउंड से नॉइज़ आती हैं वो ज़्यादा रिमूव होती हैं बोया एम1 माइक के थ्रू। तो दोस्तों आप इसको लगाने का तरीका इस तरह से देख सकते हैं, इसमें एक होल रहता है जिसमें आप अपने बोया एम1 माइक के माइक्रोफोन को जो है इस तरह से डालकर इसको घुमाते घुमाते आप इसको पूरा जड़ तक लगा देंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे इतने तक लगाना है जहाँ तक इसका जो है ये दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बोया एम1 माइक्रोफोन के साथ विंड स्क्रीन फॉर्म को लगा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि आपके बैकग्राउंड की जो नॉइज है वो रिमूव हो जाए और आपकी आवाज़ से जो सांसें आती हैं वो भी रिमूव हो जाए और आपकी वॉइस जो है काफ़ी क्लियर क्वालिटी में रिकॉर्ड हो सके हैं। तो इसका यूज जो है काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि दोस्तों बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा नॉइज आती है, तो इसको ये रिमूव करने का काम करता है। और दोस्तों उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि जो जगह दिख रही है बोया एम1 माइक्रोफोन के नीचे, यहाँ पे आपको क्लिप लगाने का ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे जो है कॉलर क्लिप लगा सकते हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है पैकेट के अंदर हमको मिला था। तो दोस्तों ये रहा बोया एम1 माइक का क्लिप जिसकी मदद से आप अपने माइक को जो है कॉलर के साथ अटैच कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि क्लिप काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और इसमें जो है पकड़ने की क्षमता इसकी काफ़ी ज़्यादा है। और दोस्तों आपको ये देखने में प्लास्टिक का लग रहा होगा लेकिन ये प्लास्टिक का नहीं, मेटल का है और इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि माइक के साथ इसको आप कैसे लगा सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस खाली वाली जगह में इसको धीरे से दबाना है और ये काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी से फिट हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह से आप इसको जो है बोया एम1 माइक के साथ जो है फिट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यदि आप बोया एम1 माइक का इस्तेमाल डायरेक्ट एम्पलीफायर के साथ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 1/4 inch का अडाप्टर मिल जाएगा जिसकी मदद से इसका यूज करके आप इसको डायरेक्ट एम्पलीफायर में जो है लगा सकते हैं और वहाँ से भी वॉयस को जो है रिकॉर्ड कर सकते हैं या माइक के साथ बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से जो है आप 3.5 mm जैक को जो है यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं 1/4 inch अडाप्टर में। तो इस तरह से आप इसको लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा बोया एम1 माइक जिसकी अनबॉक्सिंग करके मैंने आपको आज की इस वीडियो में दिखा दिया। तो दोस्तों इसके साथ जो जो भी एक्सेसरीज मुझे मिली थी उसको भी मैंने इसके साथ अटैच करके आपको दिखा दिया। तो दोस्तों अगर आप इस माइक को खरीदना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप इस माइक को बाय कर सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस माइक के द्वारा रिकॉर्ड की गई वॉइस क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, मैं आपको इसका रिव्यू करके दिखा देता हूँ कि इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी है। तो चलिए वीडियो की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर आपको इसकी वॉइस क्वालिटी को रिकॉर्ड करके दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने अपने बोया एम1 माइक को अपने कॉलर के साथ लगा रखा है और आपको इसकी आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होगी और आपको बैकग्राउंड नॉइज भी काफ़ी ज़्यादा कम सुनाई दे रहा होगा। तो दोस्तों जो मैं अपने पिछली वीडियो में आवाज़ को रिकॉर्ड करता था वो मैं एयरफोन से आवाज़ को रिकॉर्ड करने का काम करता था जिससे कि काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज भी आती थी, लेकिन दोस्तों अब मैं जो है बोया का एम1 माइक यूज कर रहा हूँ जिसकी मदद से अब आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। और दोस्तों अगर आपको इसकी आवाज़ क्वालिटी अच्छी लगी हो, वॉइस क्वालिटी अच्छी लगी हो, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको जो है इसकी वॉइस क्वालिटी कैसी लगी। और दोस्तों अगर आप भी बोया एम1 माइक को खरीदना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी लिंक अपने वीडियो के नीचे दे दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप बहुत ही आसानी से बोया एम1 माइक को खरीद सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अगर अपनी वॉइस क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी बोया एम1 माइक को बहुत ही आसानी से खरीद सकें और अपने वीडियो में वॉइस क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।